सभी को नमस्ते और दुर्गाष्टमी की ढेर सारी बधाई। दिन की शुरुआत हुई है सुबह 4:30 बजे और मैं घर में सफाई वफाई करके सारी झाड़ू पोछा लगा के और अब मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो छोले उबल गए हैं, चने उबल रहे हैं और ये बन रहा है सूजी का हलवा। और साथ साथ इधर पूजा की तैयारी भी कर रही हूँ। अभी टाइम हो रहा होगा 5:15, क्योंकि आधा पौना घंटा लग गया मेरे को बाकी काम करने में और नहा के तभी मैंने खाना बनाना शुरू किया है, पूरी किचन साफ करने के बाद। और ये तो सबको पता है कि बिना लहसुन प्याज का बनता है, क्योंकि माता को भोग लगता है इस खाने से। तो बस अभी मैं साथ साथ अपना देखती रहूँगी क्या क्या काम है। और मैं बना रही हूँ हलवा, चने उबाल रही हूँ हलवे के साथ के लिए, क्योंकि हलवा चने का ही भोग लगता है अवन में। और छोले की सब्जी बनाऊंगी और पूरियाँ। रायता तो इतनी सुबह बच्चे पीते नहीं हैं, तो इसलिए रायता नहीं बनाऊंगी, बाद में किसी को पीना हो तो बना सकते हैं। और देखो चने भी उबल गए और मैं इनको अलग कर देती हूँ। और मैंने फ्राई नहीं किए चने, कई बार फ्राई भी कर देते हैं क्योंकि बच्चे ना प्लेन ही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं हलवे के साथ, और खा लेते हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं है, प्लेन होते हैं। तो और ये सूजी भूनगी तो मैंने इसमें भी पानी डाल दिया, 1.5 कटोरी सूजी थी, 1.5 कटोरी चीनी और इसमें मैंने 6 कटोरी पानी डाला है और बिल्कुल परफेक्ट हलवा बन के तैयार है। थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए थे, काजू और किशमिश, भाई मेरा एकदम बेहतरीन हलवा बन के तैयार है। चाहे तो आप ये चने हलवे में भी डाल सकते हैं, मैं इसलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि कई बार बच्चे पसंद नहीं करते, मैं उस हलवे के साथ रख देती हूँ भोग लगाने के बाद। फिर थोड़े थोड़े जैसे सारा खाना सर्व करते हैं तो ऐसे चने भी सर्व कर देते हैं। और बस आटा लगाने के बाद अब मैं पूरियां तल के और पहले माता को भोग लगाऊंगी, उसके बाद कन्या को बुलाएंगे। और पायल भी उठ गई है, वो नहा रही है, तब तक मैं बाकी तैयारी कर लेती हूँ। सब्जी मेरी बनकर तैयार हो गई है, मैंने चने निकालने के बाद इसी कुकर में सब्जी छोंक दी थी और छोले एकदम ओके हो गए। थोड़ा सा हरा धनिया डाल के मैं इसको गार्निश कर दूंगी, गार्निश क्या बस डाल दूंगी हरा धनिया, थोड़ा अच्छा सा लुक आ जाएगा सब्जी में, बस मेन चीज़ है। तो जो बच्चे जिम में आए उन्हें पसंद आनी चाहिए। और आटा तैयार हो गया था तो अब मैंने 8 पूरियाँ सेक लूँगी, क्योंकि अष्टमी है तो 8 पूरी ही पूजती हैं, अठावड़ी बोलते हैं इसको, जिनके यहाँ नौमी पूजती हैं उनके यहाँ 9 पूरी पूजती हैं, हम अष्टमी पूजते हैं तो हम 8 पूरी ही पूजते हैं। और बस पूरियाँ मैं पहले इतनी ही तलूँगी, जब कन्या आएंगी ना उसके तुरंत पहले तल लूँगी। देखो मैंने प्लेट लगा ली है माता के लिए भोग के लिए, अब मैं पूजा करूँगी। देखो पूरियाँ, चने, हलवा और सब्जी, और सब्जी का भी भोग आप लगा सकते हैं क्योंकि बिना लहसुन प्याज की है, तो आप सब्जी का भोग भी आराम से लगा सकते हैं। और पूजा की लगभग सारी तैयारियां मैंने कर ली हैं, बस पहले अब हम हवन करेंगे, पायल भी आ जाएगी। हवन करने के बाद तभी हम कन्याओं को बुलाने जाएंगे। और अभी टाइम हो रहा है 6:15 ही बज रहे थे, 6:15 भी नहीं बजे थे अभी तो। और ये मैंने बच्चों के रात को पायल ने पैक करके रख दिए थे, मैंने बोला कि पायल तुम पैक कर दो। तो ये एक पेन का पैकेट है और एक ये इसमें ही पैसे और केला रख दिया है, और इसी में जो बड़ी लड़कियां उनके सर में डालने के रबड़ है, एक एक मैंने रबड़ रख दिया उनके लिए, और पेन है। और जो छोटे बच्चे पेंसिल से लिखते हैं उनके लिए पेंसिल है, तो मैंने ऐसी चीज़ देने की कोशिश करी है जो बच्चों के काम आ जाए। छोटे बच्चों के लिए पेंसिल का पैकेट है, बड़े बच्चों के लिए पेन का पैकेट है। और मैं अब जोत जगा लूँगी, और जोत जगाने के बाद फिर बस अब हमारा हवन हो जाएगा। हवन होने के बाद फिर अपनी मतलब कन्याओं को ढूंढना शुरू करेंगे। कन्याएं मिलना भी तो बड़ा मुश्किल है, आज के दिन पता लगता है कि कन्याओं की कितनी वैल्यू है। वैसे तो लोगों को बेटियां नहीं चाहिए होती, कि बेटी नहीं होनी चाहिए, बेटा ही होना चाहिए, और लेकिन जब आज के दिन कन्याओं की ज़रूरत पड़ती है ना, फिर फिरते हैं भागे भागे। और बेटियाँ तो हर रूप में ही बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी, दयावान होती हैं। आप कभी भी आजमा लेना, बेटों से ज़्यादा ध्यान रखती हैं बेटियाँ अपने माँ बाप का। और ये आप जब भी किसी भगवान को खाने के लिए कहें कि आप खा लो, तो ये बिल्कुल आप अग्नि में भोग लगाएं उनके नाम से, तो ये सीधा उन्हीं को पहुंचता है। ऐसा ये भी छा दो सारे में कपड़े।
और अभी पायल भी जल दे के आ गया वापस। उसने एक दो कपड़ा बिछाया, मैंने उससे बोला था, लेकिन अभी वो मेरे को ला के दे रही है और मैं सारे में कपड़े बिछा दूंगी। और मैं साथ साथ पूरियाँ भी अब बस तल रही हूँ, क्योंकि अब मैं कह के आई थी कि कन्या आ जाओ, तो और कन्या ना ऐसा हुआ कि आधी मेरे यहाँ आ गई और आधी कोई और ले गया, तो मुझे अब काफ़ी वेट करना पड़ा उनके लिए। तो अभी मैंने पैर धोने के लिए जल भी रख दिया है और सब बच्चे आने स्टार्ट हो गए हैं। पहले लांगुर महाराज जी आ गए हैं और ये कन्याएं भी अब आ रही हैं धीरे धीरे, और बस सारी आ जाएंगी तब मैं इनको पूजन करूंगी। और पूरी वीडियो तो मैं कवर भी नहीं कर पाई, पैर धुलने का, टीका, ये सब करने का, क्योंकि ना इतनी जल्दबाजी होती है, सब खड़े रहते हैं तीन चार कि हमें दे दो कन्या, हमें दे दो कन्या। और ला दो पूरी और खा लो, भर गया ठीक है। चलो सब्जी गाल लो अपनी पन्नी में, है ले जाओ घर सारा सामान ठीक है। लो हो गया है कन्या पूजन, और देखो गाय को भी दी आई हूँ सारा खाना वाना, और अब लग रही है थोड़ी सी भूख, थकान सी हो गई है। मैं उठी थी 4:30 बजे और मेरे लिए भी चाय लेके आओ। आठ बज के 28 मिनट हुए हैं अभी, और ये 8:30 तो बजे हैं। कन्या मेरे यहाँ जिम गई थी 7:30 बजे, एक घंटा पहले, लेकिन मैंने कपड़े वगैरह भी उठाए नहीं हैं, क्योंकि ना बोलते हैं कि जब माता जिम के जाती है तो कम से कम 1-2 घंटा तो घर में ऐसे ही रहना चाहिए, सफाई नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए ऐसे ही छोड़ रखा है सारा। और बाल कंघी नहीं किया है, बस नहा के फटाफट पूजा करने लगी थी, और सुबह इतना टाइम नहीं मिलता कि तैयार हुआ है प्रॉपर और उसके बाद सारा काम करें। सुबह तो फटाफट ये होता है, बस पूजा ख़त्म करो और कन्या बिठा लो, क्योंकि फिर ना भगदड़ मच जाती है कन्याओं के लिए, सब जल्दी जल्दी करते हैं ना।
तो बस अब चाय पी लेती हूँ। अब जब से मैंने बहुत सारी पूड़ियाँ बना के रख दी हैं कन्याओं के जाने के बाद, वो जो और बच्चे आ गए थे उनको खिलाई है। हाँ साफ है। और बस अब उन्हें खिलाने के बाद खुद चाय पीऊंगी, तब बाकी काम करते हैं। लो जी मेरे लिए चाय आ गई है, पहले बना लाइए। चाय का कलर दिखाओ कैसा बना है भाई, बेहतरीन चाय बनाई है लड़की ने। आ जाइए आप भी। मम्मी चाय पी रही है, पायल बेचारी बर्तन साफ कर रही है, मेरी प्यारी बेटी बर्तन साफ कर रही है। मैंने नहीं बोला पायल से बर्तन साफ करो, मैंने बोला पायल खुद कर रही है ना, खुद पायल खुद कर रही है भाई। मैंने नहीं बोला है बर्तन साफ करने के लिए पायल को, कह रही है आप थक रही हो बैठ जाओ मैं कर दूंगी।